आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना अप्लाई 2024। आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना में मिलेंगे 2500 रुपए प्रति माह, ऐसे करिए आवेदन। केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, परंतु बच्चों के जन्म से पहले व जन्म अवस्था के बाद महिला व बच्चे के सही पोषण के लिए सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा बच्चे के जन्म से 10 साल के बच्चे के स्वास्थ्य व प्रारंभिक शिक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना से संपूर्ण जानकारी हमारे आज के इस वीडियो में दी गई है। आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे आज के इस वीडियो को ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर देखें। आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना 2024। आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा बच्चों को जन्म से लेकर 10 वर्ष तक होने तक उनके पोषण के लिए 2500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। प्रसूता माता, गर्भवती महिला व नवजात बच्चों को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से 6 माह या इससे अधिक आयु के ऊपर के बच्चों के लिए डे केयर की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। आंगनवाड़ी योजना के लाभ। इस योजना के माध्यम से गर्भावस्था के समय सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है। बच्चों के भरण पोषण के लिए पोषण युक्त अनाज व अन्य सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाती है। इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से डे केयर सुविधा व एजुकेशन सुविधा भी प्रदान की जाती है। आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना के माध्यम से 1 माह से 5 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण भी सरकार के द्वारा लगवाया जाता है। आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म हो चुका है तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि का होना आवश्यक है। हेलो दोस्तों, आप सदस्य बनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, अपना समर्थन दिखा सकते हैं और विशेष सुविधाओं का लाभ अर्जित कर सकते हैं। आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना फॉर्म 2024। आंगनवाड़ी योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य के आंगनवाड़ी केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। आंगनवाड़ी योजना की वेबसाइट पर आपको इस योजना में आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक मिलेगा, उसका चयन करें। इसके बाद आपके सामने इस योजना का आवेदन फॉर्म ओपन होगा। अब आपको इस योजना में आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को दर्ज करना है। ध्यान रखें कि आपके द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज की गई जानकारी गलत ना हो, अन्यथा आपका आवेदन फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। अब इस योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करें। समस्त डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इस आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि सरकारी योजनाओं की सबसे पहले अपडेट प्राप्त करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।